नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए खबर की तरफ विस्तार से बढ़ते हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे वरिष्ठ नेता गजराज बिष्ट ने 38 साल की सेवा देने के बाद भी पार्टी द्वारा हल्द्वानी व कलाढूंगी विधानसभा सीट से टिकट न दिए जाने पर अपनी पीड़ा रो रो कर बयां की। हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कलाढूंगी विधायक और कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने 38 साल की राजनीति में मेरे साथ धोखा और पक्षपात किया है। अपनी दास्ता सुनाते समय गजराज बिष्ट अपने आंसू को रोक नहीं पाए और पत्रकारों के सामने ही रो पड़े। गजराज बिष्ट ने बताया कि 2022 के चुनाव में भाजपा ने मेरे साथ बेहद बड़ा धोखा किया, क्योंकि पार्टी मुझे गुमराह करती आई है। मेयर से पहले कालाढूंगी से टिकट का आश्वासन दिया गया और फिर कहा गया कि कालाढूंगी छोड़ दो, हम हल्द्वानी से आपको टिकट देंगे। हम किसी भी राज्य में कोई भी मेयर को टिकट नहीं देंगे। ये कहने के बाद भी अंत समय पर हल्द्वानी के मेयर योगेंद्र पाल सिंह रौतेला को टिकट दे दिया गया। इसके अलावा जब 70 प्लस की उम्र के चलते केंद्र में कई मंत्रियों को हटा दिया गया, तो फिर कालाढूंगी सीट पर बंसीधर भगत को टिकट देकर पार्टी ने नियमों को क्यों तोड़ा? ये सारा खेल सिर्फ मुझे टिकट न देने के लिए खेला गया। गजराज बिष्ट ने भाजपा विधायक बंसीधर भगत पर आरोप लगाया कि वो जितने वरिष्ठतम नेता हैं, सोच उतनी ही छोटी है। उनके कालाढूंगी क्षेत्र में जो भी कार्य करवा लिए जाते हैं, उन कार्यों को अधिकारियों से कहकर रुकवा दिया जाता है, जबकि मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता था। लेकिन आज ये साबित हो गया कि सबका विकास सबको साथ लेकर चलने वाली बात कहने वाली इस पार्टी के नेताओं में कितना भेदभाव किया जाता। तो आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं भाजपा के दिग्गज नेता रहे गजराज बिष्ट। कि जो लोकतंत्र में नैतिकता होती है, सिद्धांत तो होते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर माननीय मंत्री जी खुद ही कह देंगे कि नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतनी महत्वाकांक्षा इस उम्र में भी कि नहीं, कोई आगे नहीं आएगा, हम स्थान नहीं छोड़ेंगे। जो मेरा नामांकन है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस कालाढूंगी विधानसभा में लगभग 20,000 नए मतदाता बने हैं, नए वोटर बने हैं। उन सब की ओर से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। वो सब मुझे देख रहे होंगे, मुझसे बात करेंगे, वो आपके माध्यम से उन तक मेरी बात पहुँचेगी। मेरा केवल इतना कहना है कि आखिर जिनके गॉडफादर नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, या जिनके माता पिता नहीं है, या जो गरीबी में राजनीति कर रहे हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, मैं इन 34 वर्षों के कार्यकाल में जो मैंने राजनीतिक क्षेत्र को चुना है, मैं घमंड और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एक भी ऐसा दाग बेईमानी का मेरे ऊपर नहीं लगा होगा। अगर ऐसे लोग कब किस प्रकार आगे बढ़ेंगे? जहाँ तक मैंने नफरत की बात की, दो चीज़ें मुझे बड़ी बुरी लगी कि पार्टी कहती थी हम परिवार हैं, और मैं लंबे समय से उस परिवार का सदस्य था, उस परिवार का काम कर रहा था। और आप लोगों को भी पता होगा, पूरी समाज को पता है कि मैं ईमानदारी के साथ काम करता था, वफादारी के साथ काम करता था। आखिर केवल मेरे टिकट मांगने पर दो नियम क्यों बदले गए? पहला नियम, पूरे देश में आप 70+ को टिकट नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो आपके मंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री थे, जो 70+ हो गए थे, उनको आपने हटा दिया। केवल मेरे कारण यहाँ पर नियम बदल दिया गया। इसी प्रकार आपने 5 स्टेट में आपने नियम बनाए थे कि हम किसी मेयर को टिकट नहीं देंगे। आपने वो नियम भी ताक में रख दिया कि कहीं गजराज सिंह हल्द्वानी से चुनाव में लड़ दे। आखिर पार्टी का ये नफरत भरा रवैया तो है, इसके अलावा क्या है? यानी आप किसी व्यक्ति से इतनी नफरत करते हैं कि उसको कहीं पर भी आप आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, उसका आप विकास नहीं होना देना चाहते। यानी आपकी नज़रों में हम खटक रहे हैं कि किसी प्रकार भी ज़मीन के नीचे चले जाएं। और बार बार कहा जा रहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंकता। तो अब देखना ये है कि गजराज बिष्ट की ये नाराजगी क्षेत्र में सियासी उलटफेर में कितना गुल खिलाती है। तो देखते रहिए न्यूज जंक्शन 24। धन्यवाद। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज जंक्शन 24। नमस्कार।